खनन का खेल वेत के बहाने धड़ल्ले से चल रहा है। ओवरलोड हाइड्रा को खनिज अधिकारी ने पकड़कर कसरावत थाने पर पुलिस की अभिरक्षा में खड़ा किया। खरगोन जिले के कसरावत क्षेत्र में वैध खनन की आड़ में अवैध खनन का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। खनन माफिया को सफेद पोश वालों का संरक्षण है। वैध से ज्यादा खनन अवैध रूप से हो रहा है। अवैध खनन पर कई बार कार्यवाही हुई है। खनन माफियाओं में हड़कंप मचा है, जिससे स्पष्ट साबित होता है कि माइनिंग की कार्यवाही होने के बाद खनन माफियाओं में डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन अवैध उत्खनन जोरों पर जारी है। खनिज अधिकारी द्वारा लगातार कार्यवाही जारी है। जहां जहां मुखबिर की सूचना आती है, वहां पहुंचकर बड़ी से बड़ी कार्यवाही की जा रही है। सर, आज फिर डंपर और पोकलेन पकड़ी है आपने, क्या कार्रवाई? हाँ, जैसा कि देख रहे हैं हम लोग यहाँ थाने पे, हमने तीन बड़े हाइवा रखे हैं। इसकी सूचना सुबह 11 बजे के लगभग हमें SDM कसरावत संगप्री साहब के द्वारा मिली। उनको कई मुखबिर से सूचना मिली कि जो कसरावत से 3 किलोमीटर दूर अरहंत नगर के आसपास 3 हाइवा खड़े हैं, तो उन्होंने मुझे सूचना दी। जब मैं तत्काल वहाँ से मेरी टीम को भेजा और SDM साहब के कुछ लोग भी साथ में थे, हम लोगों ने जाके वहाँ पर दिखवाया, तो उसमें रॉयल्टी तो थी, गुजरात की थी, पर वो बहुत ही कम थी और भार क्षमता से अधिक थी। फिर वो बहुत ज़्यादा ओवरलोड था, तो इसलिए फिर हमने उन तीनों हाइवा को जब्त करा और तत्काल थाना कसरावत की अभिरक्षा में खड़ा करवाया। सर, इसका कौन से धारा के अंतर्गत कर रही है? उसमें खनिज नियम 2022 के तहत इसमें ओवरलोडिंग भार क्षमता से अधिक पे कार्रवाई की जाएगी। सर, निश्चित ही जिस गति से आप काम कर रहे हैं, जिस रोज ही एक कार्रवाई हो रही है, उसके बावजूद भी ये जो सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, तो निश्चित इस पे कोई बड़े लोगों का हाथ है, क्योंकि उनके अंदर जो भय पैदा होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, ऐसा इसमें ऐसा नहीं है बड़े लोगों का, एक ये क्षेत्र है निमाड़ में, यहाँ पर एक माफिया की तरह काम तो नहीं होता है, पर चूंकि यहाँ पर बड़ी जगह है खरगोन और प्रधानमंत्री आवास योजना, और उनके छोटे छोटे लोगों को रिक्वायरमेंट है, क्योंकि निर्माण काम तो कभी रुकता नहीं है, और अभी पूरे मध्य प्रदेश में रेत खनन बंद है, तो कहीं छुटपुट कहीं चलता रहता है और कार्रवाई करते रहते हैं, और भय तो है यहाँ पर। और इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमारे पास खनिज में टीम भी इतनी है, पर हम लोग जहाँ भी हमको सूचना मिलती है हम कार्रवाई करते हैं, और हम लोगों ने पूरे ज़िले में भय का मतलब कि जो अवैध परिवहन करता उत्खनन करता में भय पैदा करके रखा है। जैसा कि आपने बताया कि निश्चित रूप से जो निर्माण कार्य चल रहा है उनकी आवश्यकता है, उनको लेकर डिपार्टमेंट ने कोई रूपरेखा बनाई, उनकी आवश्यकता कैसे पूर्ति होगी? 1 अक्टूबर से पूरे मध्य प्रदेश में जो खनन पे प्रतिबंध था वो हट जाएगा, और हमारे यहाँ पर भी रेत के टेंडर हो चुके हैं, पर कोर्ट की वजह से कुछ समय के लिए उनको स्टे लगा है, और जो हमारे यहाँ पर ज़िले में अलग अलग जगह रास्ता जो स्टॉक थे उसे हमारे द्वारा नीलाम कर दिया है, और संभवतः वो अगर पैसा इस हफ्ते जमा कर देता है तो इसी हफ्ते हमारे यहाँ पर रॉयल्टी चालू हो जाएगी, तो जिससे मतलब कि जो ये अवैध उत्खनन पे भी अंकुश परिवहन पे भी अंकुश लगेगा, और इनको जिनको नीड है रेत की उनको आसानी से रेत अवेलेबल हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।